आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है क्रोम वेब स्टोर का अकाउंट कैसे परचेज़ कर सकते हो, जिसकी मदद से आप जो है अपनी एक्सटेंशन बना के जो है इसके ऊपर पब्लिश कर सकते हो और जिसमें यूज़र जो है इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके जो है इस्तेमाल कर सकता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने जो है दो एक्सटेंशनें अपलोड की हैं। इसका डैशबोर्ड अगर मैं आपको दिखाऊँ तो डैशबोर्ड कुछ इस तरह से नज़र आता है और यहाँ पर आप जो है न्यू एक्सटेंशन पर क्लिक करके जो है एक्सटेंशन अपलोड कर सकते हो। अपलोड किस तरह से करनी है, बनानी किस तरह से है, ये तरतीब से आपको बताऊंगा। आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि आप लोगों ने अकाउंट किस तरह से इसका परचेज करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है पब्लिश एक्सटेंशन इन क्रोम स्टोर। तो आपके पास पहला पहला लिंक आएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगी और इसमें आपको सारा तरीकाकार गाइड किया हुआ है कि आपने थोड़ी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करनी है और आपका जो है अकाउंट बन जाएगा। अब ये बनाना किस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप वन में ही यहाँ पे क्रोम डिवेलपर डैशबोर्ड पे आपने क्लिक कर देना है और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। आपने क्या करना है, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फीस जो है भर देनी है। इसकी फीस जो है $5 है अभी के लिए, ये वन टाइम फीस है, आपने इसको पे कर देना है और जैसे यहाँ पे आप इसका एटीएम कार्ड वगैरह लगाओगे तो आपकी फीस कट जाएगी और एक फॉर्म आएगा उसको फिल करना है और आपका जो है 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपका अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको सिर्फ गाइड किया है। अगर इसके मुतालिक कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उस प्रॉब्लम को मैं जरूर हल करने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कि इसको बनाना किस तरह, एक्सटेंशनों को और अपलोड किस तरह से करना है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।